This is Karishma Shukla, and today we are going to learn about our subject DSS and our unit is design of column base. Our topic is question of design of gusset column base. Now, कल हमने एक स्टेप छोड़ दी थी, स्टेप नंबर 6, तो उसे कंटिन्यू करते हैं. स्टेप नंबर 6 हमारी क्या थी? स्टेप नंबर 6 थी चेक फॉर बकलिंग ऑफ कंप्रेशन एज ऑफ गसेट प्लेट. तो इसमें हम चेक लगाएंगे, तो सबसे पहले ई की वैल्यू निकालनी है. ई की वैल्यू अपनी आती है रूट ओवर 250 अपॉन एफ ऑफ वाई जी. अब ये डी और ई दोनों का चेक यहाँ लगाना होता है, बट इन बोल्टेड के केस में सिर्फ आप एस नॉट का चेक लगाएंगे और इन वेल्डेड दोनों का चेक लगाएंगे, है ना. तो ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है. सो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कॉलम आई एस एच बी 350 एट द रेट 661.2 न्यूटन पर एमएम कैरीज एन एक्चुअल कंप्रेसिव फैक्टर्ड लोड ऑफ 1700 किलो न्यूटन. डिजाइन अ सॉर्टेबल बोल्टेड कैसेट बेस. द बेस रेस्ट ऑन M15 ग्रेड कॉन्क्रीट पेडेस्टल. यूज 24 mm डाया ऑफ बोल्ट ऑफ ग्रेड 4.6 फॉर मेकिंग कनेक्शन. हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमें सेक्शन डिफाइन कर रखा है, फैक्टर्ड लोड दे रखा है और हमारे पास डाया ऑफ बोल्ट दे रखी है, ग्रेड ऑफ बोल्ट दे रखी है ना. तो सबसे पहले गिवन M15 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट जो हमें दे रखा है ना, और इसके थ्रू हमारे पास एफ सी के की वैल्यू ये आ गई. अब ग्रेड ऑफ स्टील दे नहीं रखा है तो आप अज्यूम कर लीजिए, एफ ओफ वाई की वैल्यू भी दे नहीं रखी, अज्यूम कर लो. तो सबसे पहले बेयरिंग स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं. बेयरिंग स्ट्रेंथ के लिए फॉर्मूला है अपने पास 0.45 इंटू एफ सी के. तो सीधा सीधा अपने वैल्यूज रख ली, ग्रेड ऑफ स्टील हो, ग्रेड ये अपना कंप्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ एफ ओफ वाई दोनों के दोनों अपन ने लगभग लगभग वो मानी जो नॉमिनल है. एफ यू की वैल्यू अपने पास 410 है और एफ ओफ वाई की वैल्यू 250 है. और फैक्टर ऑफ सेफ्टी गामा एम नॉट 1.1, ठीक है. इसके अलावा हमारे पास सेक्शन जो दे रखा है उसकी भी वैल्यू हम स्टील टेबल से निकाल लेंगे. आई एस एच बी 350 के लिए वैल्यू देखो, डी की वैल्यू है 350, बी एफ की वैल्यू है 250, टी एफ की वैल्यू है 11.6 और टी डब्ल्यू की वैल्यू है 8.3. नेक्स्ट ग्रेड ऑफ बोल्ट दे रखा है 4.6, तो इससे एफ यू की बी की वैल्यू निकल गई 400. अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर बोल्ट्स, इसके लिए अपने पास कनेक्शन कौन सा है, बोल्टेड है, तो इसके लिए अपने पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.25 हो जाएगा. अपन शॉप वेल्डेड ले रहे हैं, ठीक है. अब फॉर डाया ऑफ बोल्ट 24, इसके लिए सबसे पहले हम ए एंड बी इन सब की वैल्यूज निकाल लेते हैं. रीज़न क्योंकि हमें आगे जाके बोल्टेड कनेक्शन के लिए भी डिज़ाइन करना है. तो ए एंड बी की वैल्यू ऑलरेडी निकाल लेते हैं, 5/4 इंटू डी स्क्वायर. डी स्क्वायर की वैल्यू 24 है, वैल्यू आ गई अपनी डी नॉट की वैल्यू डी प्लस 2, सिंपल सा. तो यहाँ पे आ गए 26 mm. ये सारी वैल्यूज आपकी स्टील टेबल्स में दे रखी हैं, एज वेल एज आपने पहले सॉल्व भी कर रखा है अगर आपने वोल्टेज कनेक्शन पढ़ रखा है तो. तो ई की वैल्यू अपने पास आ गई 1.5 इंटू डी. दो कंडीशंस दे रखी है, 1.5 इंटू डी और एक 1.7 इंटू डी. दोनों के लिए कंडीशंस अलग अलग हैं तो वो कंडीशंस भी आप देख लीजिएगा. फिलहाल हम नॉर्मल कंडीशन ले रहे हैं इसलिए 1.5 इंटू डी. ई की वैल्यू हम सिमिलर टू मान लेते हैं 40 mm. अब पिच अज्यूम कर लो 60 mm मिनिमम पिच. फैक्टर्ड लोड अपने पास दे रखा है 1700. अब सबसे पहले स्टेप वन में आते हैं, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ बेस प्लेट इक्वल्स टू पी अपॉन जो भी आपके 0.45 इंटू एफ सी के. इसकी वैल्यू हमने रख ली तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 251.85 इंटू 10 की पावर क्यू. नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में लेट अस प्रोवाइड 16 mm थिक प्लेट, थिक गसेट प्लेट ऑन ईच साइड एंड टू गसेट एंगल ऑफ आई एस ए 150 × 115 × 15 mm. अब देखिए जो भी एरिया है उसके नियर अराउंड जो हमें सेक्शन उसके आसपास से मिलता हुआ मिलेगा, उस गसेट प्लेट उस आई से सेक्शन को हमने यहाँ आसपास में रख लिया है ना. और इसके अलावा मिनिमम हमें प्लेट की थिकनेस माननी है 16 mm फॉर बोल्टेड कनेक्शन, है ना. फॉर बोल्टेड कनेक्शन हमें 16 mm मिनिमम थिकनेस माननी है और इससे हम दो चीज़ें निकाल लिए. अब मिनिमम विड्थ रिक्वायर्ड, इसके लिए जो हमारे पास डी की वैल्यू दी है डी प्लस 2 इंटू जो हमने थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट मानी वो प्लस 2 इंटू इसकी जो स्मॉलर साइड है लेंथ जो आई एस सेक्शन है वो वैल्यू हमने रख ली. इससे हमारे पास आ गया वैल्यू क्या 612. हमने सिमिलर टू मान ली 620, हम बढ़ा के ले रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट प्रोजेक्शन ऑफ बेस प्लेट बियॉन्ड फ्लैंज टो. अब कल हमने डायग्राम बनाया था, डायग्राम में
पूरा का पूरा जो आई एस एस सेक्शन जब लगाते हो आप लोग एंगल सेक्शन, तो नीचे वाला जो स्लैब जो बेस प्लेट दे रखे हो, बेस प्लेट से पूरा तो मिक्स होता नहीं है, तो कुछ ना कुछ रह जाता है। वो पार्ट हम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे पास अज्यूम किया है आपने माइनस जो एक्चुअल है अपॉन में टू कर देंगे, तो उससे आगे हमारी वैल्यू 4 mm। अब लेंथ ऑफ बेस प्लेट निकालना है, लेंथ ऑफ बेस प्लेट के लिए जो हमारे पास एरिया है अपॉन जो आपने मिनिमम विड्थ निकाली है ये रखना है। तो इससे जो भी वैल्यू है उसको सिमिलर टू अपने पास अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब प्रोवाइड हमने ले लिया कितना, प्रोवाइड 620 × 410 जो लेंथ ऑफ बेस प्लेट है, ठीक है। तो अब ये हमारा नया एरिया आ गया। अब इसके थ्रू हम स्टेप 6 में सबसे पहले बेयरिंग प्रेशर ऑफ कॉन्क्रीट निकालते हैं। तो पी अपॉन ए वन, ये हमारे पास फॉर्मूला है। पी हमारे पास 1700 × 10³³। ए जो तुमने नया प्लेट मान लिया है 620 × 410, इसके हमारी वैल्यू आ गई। ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो हमने सेकेंड स्टेप में निकाले हैं बेयरिंग प्रेशर ऑन कॉन्क्रीट जो निकाला, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये ज़्यादा ये कम है वो ज़्यादा है, तो है ओके। अब मैक्सिमम मोमेंट, पहले एम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एम एक्स की वैल्यू के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, W × C1² / 2। तो सी वन की वैल्यू निकालने के लिए 4, जो आपने मिनिमम वो ओवरहैंग बचाया था कि 4 mm अपना बचा रहता है पार्ट, प्लस 115 उसकी एक साइड और माइनस 15 उसी की थिकनेस आई एस एस सेक्शन की, इसकी वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ से वैल्यू पुट करके हमारे पास इसका भी आंसर आ गया, ठीक है। तो और हाँ, इसमें डब्ल्यू की यही वाली वैल्यू रखेंगे जो बेयरिंग प्रेशर ऑफ एक्चुअल जो प्रेशर आता है वो वाली की ही वैल्यू रखनी है यहाँ पे आपको। तो अब मोमेंट कैपेसिटी ऑफ बेस प्लेट एंड एंगल लेग, अब इसमें हमने एंगल लेंथ और बेस प्लेट एक साथ नहीं लिया था, एक पॉइंट को ही लिया, मतलब सिर्फ एंगल सेक्शन का निकाला। अब दोनों को लेते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला है 1.2 × FOπ × ZE / γ m0। 1.2 FOπ 250 ZE की वैल्यू है हमारे पास 1 × T²/6/1.1। तो इसकी वैल्यू हमारे पास टी स्क्वायर के फॉर्म में आ गई, क्योंकि टी की हमारे पास थिकनेस की कोई वैल्यू नहीं है। तो अब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन मानते हैं, मान लेते हैं कि वैसे ही आपकी कोड में दे रखा है, बाकी आप कल मैंने समझाया भी था, है ना। तो अगर कंडीशंस डायरेक्ट आती ही नहीं है तो इस तरह से फॉर्म में निकाल सकते हैं, MX = MD। तो वैल्यूज पुट ऑन कर दो, वैल्यूज पुट ऑन करने पे हमारे पास क्या आ गया, टी की वैल्यू आ गई 28.19। अब थिकनेस ऑफ बेस प्लेट निकालना है, टी बी की वैल्यू निकालनी है, तो टी माइनस थिकनेस ऑफ जो आई एस एस सेक्शन है उसको माइनस कर दो इससे। तो जो वैल्यू आई अपने पास कितनी आई, 28.19 माइनस 15, तो 13.19, सिमिलर टू मान लो 16 mm की। और जो हमारी टी एफ की वैल्यू है वो उसकी वैल्यू से ये वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, तो टी एफ की वैल्यू अपने पास 11.6 mm है, तो उससे तो बहुत ज़्यादा, तो है ओके। तो अब बेस प्लेट की साइज देख लेते हैं, 10 प्रोवाइड बेस प्लेट ऑफ 620 × 410 × 16 mm, है ना, ये हमारी बेस प्लेट का साइज़ हो गया। अब डिज़ाइन फॉर बोल्टेड कनेक्शन, यहाँ पे बोल्टेड कनेक्शन निकालना पड़ेगा सबसे पहले, तो VDSB निकालते हैं। VDSB शेयर बियरिंग, है ना, टेंशन, तो यहाँ पे सिर्फ दो का ही काम है। सबसे पहले शेयर के लिए निकालते हैं, तो ANB × FUB / √3 × γ m b। तो ANB की वैल्यू हमने सबसे पहले निकाल ली थी, तो 353 मैंने डायरेक्टली वैल्यू पुट करी × 400 FUB की × 10³³, इसको −3 है ना, क्यों किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना, √3 × γ m b। गामा एम बी की वैल्यू यहाँ बोल्टेड के लिए 1.25। VDSB की वैल्यू आ गई, सेम VDPB की वैल्यू के लिए 2.5 × KB × D × T × FU / γ m b। है ना, तो इसकी वैल्यू में सबसे पहले KB की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने पास 4 कंडीशन दे रखी है। फर्स्ट कंडीशन KB = E/3D₀, ठीक है, ये कंडीशन दे रखी, तो अपन ने E की वैल्यू पहले ही ले रखी है, तो E की वैल्यू के लिए 40/3 − 3 × 26, तो वैल्यू आ गई अपने पास 0.50। फिर नेक्स्ट KB = P/3D₀ − 2.25, इसके लिए भी अपने वैल्यू पुट करी, अपने पास आ गया 0.25। और KB = FUB / FU, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.97। और लास्ट KB = 1, जब कुछ भी ना मिले, इन सब की वैल्यू ज़्यादा आए तब, है ना। तो इसमें सबसे मिनिमम था KE वाला पार्ट, तो KB = 0.5। तो VDPB की वैल्यू के लिए रख दो 2.5 × 0.5 × 24, D की वैल्यू × T, थिकनेस जो आपने लिए 16 ×
जो आपकी एफ यू की वैल्यू है वो है 410 स्टील के लिए अपॉन 1.25, तो वी डी पी बी की वैल्यू आ गई। अब दोनों को कंपेयर करो वी डी एस बी और वी डी पी बी की वैल्यू में, जो कम वैल्यू है वो अपनी बोल्ट वैल्यू हो जाएगी। अब इसके लिए हम नंबर ऑफ बोल्ट्स भी निकाल लें, तो उसके लिए हम सबसे पहले अजम्पशन लेते हैं कि पूरा लोड तो हमारा जो है बोल्ट्स पे लगेगा नहीं, है ना। तो हमको क्या बोलते हैं 50% जो लोड है फैक्टर्ड लोड का वो बोल्ट्स के थ्रू लगेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एक लाइन, अज्यूम 50% ऑफ फैक्टर्ड लोड विल पास थ्रू बोल्ट्स। तो नंबर ऑफ बोल्ट्स के लिए अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा N1 इक्वल्स टू 0.5 इंटू पी अपॉन बोल्ट वैल्यू। इसमें वैल्यू पुट ऑन करेंगे, हमारे पास 13.03 आया, सिमिलर टू मान लो 16, आप 14 भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने 16 ले लिया है, है ना। तो 16 इसलिए क्योंकि ये दोनों साइड के एक साथ निकाल रहा है, तो आपको हाफ करना है, चाहे अगर 14 भी लोगे तो 7 लगेंगे दोनों तरफ। तो अब मैंने क्या किया, प्रोवाइड 8 बोल्ट्स ऑफ 24 mm डाया ऑन ईच साइड ऑफ 2 रोज। कल मैंने दिखाया था दोनों तरफ गसेट प्लेट लगेगी, दोनों तरफ एंगल सेक्शन लगेगा, तो दोनों तरफ अपने कितने हो गए 8, 8, है ना। तो 2 रोज में लगाएंगे, मतलब 4, 4 की 2 रो बन जाएगी, ठीक है, मतलब चेन कनेक्शन बन रहा है यहाँ पे। अब हाइट ऑफ गसेट प्लेट 150 प्लस 2 इंटू 40 प्लस 1 इंटू 60, मैंने यहाँ फॉर्मूला भी आपके लिए डिफाइन करके लिखा है, इससे मेरी हाइट ऑफ गसेट प्लेट निकल गई। नेक्स्ट लेंथ ऑफ गसेट प्लेट सेम होगी, लेंथ ऑफ गसेट प्लेट और लेंथ ऑफ आपका बेस प्लेट बिल्कुल सिमिलर होगा, सेम होगा। तो प्रोवाइड गसेट प्लेट ऑफ साइज 410 इंटू 288 इंटू 16 mm। लास्ट चेक फॉर बकलिंग, ई की वैल्यू निकालो 250, एफ ऑफ वाई की वैल्यू भी सेम है तो 1 आ गया। एस नॉट के लिए अपन ने वैल्यू पुट कर ली, तो आउटस्टैंड लेंथ पहले निकाल के देखते हैं। तो आउटस्टैंड लेंथ के लिए फॉर्मूला जो है आपका 410 जो आपने साइज प्रोवाइड करी है, एल दी है जो गसेट प्लेट में, वो माइनस 250 आपके वो एंगल सेक्शन जो आपने डी और बी एफ के टाइम पे लिया था वो वाली वैल्यू आ गई यहाँ पे माइनस 250 अपॉन 2 इक्वल्स टू 80 mm। तो एस नॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे फॉर्मूले में, तो रूट ओवर आउटस्टैंड लेंथ प्लस पी इंटू 2 इंटू ई का होल स्क्वायर, ठीक है, इससे अपन की वैल्यू आ गई। एस नॉट के लिए भी अपने पास फॉर्मूला दे रखा है 13.66 इंटू ई इंटू यहाँ पे क्या था टी जी, है ना, तो थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट वो वैल्यू रख दी। तो ये वैल्यू कम है और ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, तो हैंस ओके। तो आज का लेक्चर हमारे यहीं ख़त्म होता है, नेक्स्ट टॉपिक हम अगले लेक्चर में देखेंगे।